मदद कर दे, मेरी कुछ हद हो जाए, मैं ठिकाने से आराम ना बैठी रहा। नाजरीन एक कमरा है, ये तकरीबन 8-9 फुट का होएगा लंबाई चढ़ाई च, ये अम्मा जी रहते ने। अम्मा जी दवाई शवाई लिया हो तुसी? दवाइयां पुत्र पैसे होंदे, दवाइयां आ जांदियां ना, हुण तो शुक्र करके बैठी रहनी आ, उहदा शुक्र करदी रहनी आ बस, और मैं कुछ नहीं कर सकती बेटे, ना मैं कुछ पका सकनी आ, ना कुछ किसे नूं दे सकनी आ, ना लै सकनी, मेहरबानी है तुहाडी। एक कोने च छोटा जिहा बाथरूम है, कोई इहदा किचन नहीं, और इहदा कुछ 6-7 हज़ार रुपया करा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नाजरीन तुहाडी खिदमत च हाजिर है, तुहाडा होस्ट बाबर बेग ABIG टीवी तरफों, और मैं नाजरीन मौजूद हाँ लाहौर च, और मैं अज तुहाडा तारफ करवा रहा हाँ एक ऐसी सैयद फैमिली नाल, एक ऐसे सदात घराने नाल कि जिहड़े है तो सदात ने, जिहड़े है उम्मत दे वारस ने, लेकिन इस टाइम किस हाल च ने, किस तरह जिंदगी गुजार रहे ने, जिंदगी गुजारनी उन्होंने वास्ते कितनी महाल है। एक अम्मा जी ने, एक उन्होंने बेटा है, अम्मा जी के टोटल 3 बच्चे सन, जिन्हें दो बेटियां सन, उन्होंने शादी हो गई, वो अपने अपने घर चलिया गई, और एक बेटा जिहड़ा वो काम नहीं कर सकता, हड्डियां दी टीबी बावजा, हड्डियां दी टीबी कोई काम या मजदूरी नहीं कर सकता, कोई वजन नहीं चुक सकता, और अम्मा जी जिहड़े ने वो ओल्ड ने, ते आओ थोड़ी मैं गल कराना, मिलने इस फैमिली नो। जी अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम, की हाल है अम्मा जी थोड़ा? बेटे मैं बीमार हाँ, परेशान हाँ बड़ी, बच्चा भी बीमार है, छक नहीं रहना पेगी, बड़ी मुश्किल बनी है मेरी, सीढ़ियाँ उतरती चढ़नी, बीमार हो गई ज़्यादा, बहुत परेशान हाँ मैं, मेरिया परेशानियाँ दूर कर दियो, बड़ी बड़ी मेहरबानी है, मेरा को काम कर दोगे तो। अम्मा जी दवाई शवाई लिया दवाइया पुत्र पैसे होंगे, दवाइया आ जाएं ना, हूँ तो शुक्र करके बैठी रही है। नहीं कोई गल नहीं, दवाइया असं तुम्हें लिया के देंगे इंशाल्लाह बफजले खुदा, दवाइया मैं उम्मीद पै खा सकनी है, दूसरी दवाई असं नहीं खा सकते, एक गोली भी खावगी पेट खराब हो जाए, रोटी नहीं जमीन होने दम होती, बोटी कोई चीज़ नहीं, चार अस सारा दिन राती चावल मेरी बच्ची पका के भेजगी, मैं खा नहीं मैं बस, धक्के बजते ने मेरे को चलिया भी नहीं, अखा तो मोतिया उतरिया है, अवे किसी पास नहीं लग रही, ऐदा सारे मेरे खराब दे टुटे हैं, कोई फल नहीं खा सकती, कुछ नहीं खा सकती, मैं अल्लाह की आस्ते बैठी हाँ बस, मदीने वाले की आस्ते लगी फिर नहीं हाँ बस, अल्लाह तौबा कर सड़ी दी है, बह के पढ़ सकनी हाँ राती, नींद सारी रात नहीं आती, दरूद पढ़ती रहनी हाँ, कलमा पढ़ती रहनी हाँ, तस्वीर पढ़ के बैठी रही, उसका शुक्र करती रहनी हाँ बस, और मैं कुछ नहीं कर सकती बेटे, ना मैं कुछ पका सकनी हाँ, ना कुछ किसी दे सकनी हाँ, ना लै सकती, मेहरबानी है तुम्हारी, जो मेरी मदद कर दो, मेरी कुछ हद हो जाए, मैं ठिकाने से आराम ना बैठी रहा, दवाइया ला देंदा किसी वेले देंदा पैसे मैनू, मैं लै आनी हाँ जाके, पर मैं दूसरिया दवाइया खा सकती हाँ, दवाई नहीं मैं खा सकती, मैनू नहीं सिखाती ही नहीं है बिल्कुल भी, मेरा बच्चा भी वो खाँदा, वो पे दवाइया बस कुछ नहीं खा सकता, मेहरबानी थोड़ी बड़ी बड़ी कि ना जो साढ़ा तुम कोई काम कर सकोगे, अल्लाह भी खुश होएगा, मुहम्मद भी खुश होंगे, उन्हें तो सुहा तो कोई नहीं साढ़ा। नाजरीन एक कमरा है, ये तकरीबन 8-9 फुट का होएगा लंबाई चढ़ाई च, ये अम्मा जी रहते ने, एक कोने च छोटा जिहा बाथरूम है, कोई इहदा किचन नहीं, और इहदा कुछ 6-7 हज़ार रुपया किराया है, और अम्मा जी ये चाहते ने कि कोई बंदा उन्हां नूं रहण वास्ते जगह दे दे, ताकि ये अपनी जिंदगी जिहड़ी है उत्थे अच्छे तरीके नाल जिहड़ी है वह बसर कर सकण, और अम्मा जी का कहना है कि अगर मैं सदात घराने नाल मेरा तलक है, अगर कोई ऐसा करेगा तो अल्लाह भी खुश होएगा, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जड़े ने वो भी खुश होंगे, ये अम्मा जी का ईमान है, वो कहते हैं अगर कोई सानू रहने वास्ते, तो बहुत सारे ऐसे दोस्त ने मेरे जड़े आउट कंट्री ने, चलो इन्हों जाती इन्ह की मलकीयत ना हो सके,
लेकिन बहुत सारे दोस्तों के घर खाली पे ने घर इन्नी गुंजाइश है या कोई दोस्त इन्हों एक छोटा जहा घर अगर 7-8 फुट का कमरा दे जिंदगी बसर कर रहे हैं कोई इन्ना क कमरा भी इन्हों बना के दे दिता जाए जिन्हों पता हो साड़ी अपनी छत है साडा अपना है तो यह अपनी जिंदगी जी उ बसर कर सकन क्योंकि अम्मा जी का वाह सहारा जोड़ा उन्हों का बेटा वो बेटा उन्होंने जोड़ा वो कुछ कर नहीं सकता देखन च तो ठीक ने उन्होंने भी गल करने आ लेकिन हड्डिया की जी टीबी है ये तो पता है कि इंसान का जोड़े लोग समझते हैं या जानते हैं उन्होंने इस चीज़ का पता है बाकी इन्हों पुछने कि वो इलाज करवा रहे ने नहीं करवा रहे की हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। जी मैं ना हड्डियों की मुझे टीबी थी तो मैं इधर गुलाब देवी भी गया काफ़ी इलाज करावे लेकिन नहीं फ़र्क पड़ा। फिर मैं होम्योपैथी के प्रोफेसर बताए थे जवेद साहब हैं इधर जनाजगाह में उन्होंने मुझे मेडिसिन दिए तो उसके बाद फिर मेरा रेशा निकलता रहा काफ़ी देर रेशा फिर 5-6 ऑपरेशन हुए उसके बाद भी मसला नहीं हल हुआ। फिर ये होम्योपैथिक से मेरा कुछ रेशा को थोड़ा सा हुआ मसला हल तो जो मैं 14 साल मैं मसल लड़ा हूँ इस बीमारी के साथ तो मेरे वो थोड़ा सा मसल चलने में दर्द होती है रेशा तो रुक गया है तो लेकिन जो मेरे अंदर मेद है कि ये मसला है ये मेरी ये चीज़ है ये स्टोमिक में कोई भी चीज़ खाता हूँ तो मुझे मोशन लग जाते हैं अंदर से अंतड़ियाँ मेरी कमज़ोर हो गई हैं वो इंजेक्शन लग लग के तो जब मैं ज़्यादा चलता हूँ बगैर ट्यूब में मेरे पास पड़ी हैं वो लगा के चलता हूँ। अब ये भाई जान नक्शा स्टाफ पे आए मैं कुछ लगा के ऑयल तो फिर चलूँगा ये तो ये मुझे खचाव पड़ता है स्वेलिंग फिर मैं बैठ जाता हूँ उधर ही बगैर मेरे मेडिसिन वो सामने होम्योपैथी के मेरी माँ भी खाती है और मैं भी और मैंने बड़े बड़े चैनलों पर देखे खाएँ हमारी किसी ने मदद नहीं बस ये अच्छा जी आएँगे अच्छा जी करेंगे हम चाहते हैं कि माँ बेटा है हम किसी के हाथ नहीं करें या तो हमें वो छोटा सा ये कमरे वाला जाती अपना घर ले दें बड़े धक्के खाए हैं लेकिन ये भाई हैं जो हमारे पास आए हैं तो मैं इनका सारी ज़िंदगी आसान नहीं उतार सकता क्योंकि हम किसी के आगे हाथ नहीं करते कभी किराया होता है कभी नहीं होता तो बड़ी मुश्किल है हमारे लिए तो अगर हमारी कोई पाँच तन पाक के सदके हमारी सदात गिराने से तो सैयद के झंडे से गुजरना है रोज़े मैच जो हमारी मदद कर दे मैंने बड़े धक्के खाए हैं मलक रियाज तक बैरियर टू नहीं जाने दिया अंदर वो कह रहे उसको कोई मीडिया के जरिए आए तो फिर मसला आपका कोई हाल तो अगर हमें कोई छोटा सा जाती मेरी माँ है ठीक है ना आगे से मेरी उसका भी दिल करता है कि मेरी खुशियाँ देखें मेरा घर आबाद हो ठीक है ना तो मैंने कभी आज तक नशा नहीं किया मेरी गारंटी इधर मोहल्ले से आके दे सकते हैं आप देख सकें ये मेरी कंडीशन है ठीक है। मैं रात को भी पढ़ाई करता हूँ मेरे वज़ीराबाद मेरे नानके हैं ठीक है मेरे पापा पहले दुबई रहे हमारे हालात ठीक थे बिल्कुल हम देते थे किसी आज हमारी कोई हेल्प आउट नहीं कर रहा हमारी अपनी फैमिली भी ठीक ठाक लेकिन हमें कोई नहीं जब से मेरे वाल साहब हो तो मैं नहीं ये मेरी बूढ़ी माँ है तो प्लीज़ हमारी मदद कर दी जाए तो मेहरबानी अगर हम अगर छोटा सा ही कमरा ले दें कोई अपना अगर ले रहे तो मेहरबानी है तो जैसे ये भाई हमारी मदद कर दें मैंने बड़े धक्के खाए चैनलों पे बड़े कितनी दूर गया हूँ लेकिन मेरी किसी ने नहीं किया तो प्लीज़ काफ़ी सालों से धक्के खा रहे हैं ये भाई हैं जो हमारे पास आए हैं हमारी मदद के अल्लाह इनको खुश रखे पाँच तन पाक के सदके इनको नबी पास हम का दीदार करवाए ओलिया कराम का दीदार करवाए हम इनके लिए दुआई कर सकते हैं इनके सदके कोई हमारा अल्लाह सबब लगा दे मेरे सारे काओ मैं डॉक्यूमेंट्स पढ़े कोई बात मेरी झूठ नहीं आपके सामने मेरी कंडीशन है। अच्छा तो साढ़े चैनल तुम्हें किने दसिया सी आपके इस चैनल का मेरे दोस्त ने यूट्यूब पे दिखाया था मेरे दोस्त से हमजा भाई वो यूट्यूब पे देख रहे थे जब बाजी आलिया को इन्होंने मदद की थी ना बाजी आलिया जो झोंपड़ी पे आ गई देख जैसे उनके भी पहले बड़े अरूज था गाड़ियाँ हमारे पास भी ऐसे ही था पहले अच्छी हमारी ज़िंदगी गुजरी है लेकिन जब मैंने देखा ना तो मैंने इनका नंबर देखा है बाबर भाई का तो मेरे दिल में ऐसे जैसे अंदर से किसको कहो तो फिर मेरा पहले मैंने नहीं कहा मैंने कहा ऐसे बड़े आए नहीं गए लेकिन मेरी माँ कहती क्या है मेरी माँ ने कहा बेटा आएगा आज तक मैं अभी दाता साहब रहमतुल्लाह के दरबार का तो झूठ नहीं बोल सकता दुनिया से चले जाना है उधर एक बंदे ने मुझे कहा मैंने ऐसे बैठा तो मैं रो रहा था हाँ उसने मुझे 100 रुपया दिया कि बेटे ये ले लो मैं भी सफ़ेद मैंने कहा नहीं उन्हें कहा नहीं मेरे पास कराया नहीं था और मैं पैदल गया हूँ दाता हजूर मैं जाता हूँ हर जुमेरात में उस हस्ती का झूठ नहीं मैं उनके आगे भी रोया सरकार कोई ऐसा बंदा भेजे दाता साहब हम आपका खून है मेरी कोई गायबी मदद कर दे हम झूठे नहीं हैं और मैंने आज तक हर औरत को जैसे ये बहन की मैंने सबको बहने का है मेरे बाप ने दो चीज़ें समझाई थी एक जना नहीं करना एक खाता मैंने दोनों काम नहीं किए अल्लाह मुझे नबी पाक की शफात नसीब ना करे इससे बढ़कर मैं नहीं कह सकता मैं उनके दर का कुत्ता हूँ सरकार दो आलम सल्लम का तो अगर आप मेरी मदद कर दें मैं बहुत हूँ और इस बंदे के पीछे मैं बड़ा रूला हूँ मलक रियाज के पीछे लोगों ने मुझे कहा लेकिन वो कह रहे हैं मीडिया के जरिए आएंगे तो फिर ये आप ही हेल्प कर देगा मीडिया के जरिए सुहेल बड़ाइज के जरिए आए हैं कोई लेकिन ये एक ऐसे इंसान है जो हमारे पास आए और कोई नहीं आया बस यही है अच्छा कल आएंगे परसों आएंगे या CT42 चैनल वालों ने थोड़ी देर चलाई थी वो भी क्लिप वो कहते हम क्या कर सकते हैं यूट्यूब पर आप चले तो यहाँ कोई मीडिया के जरिए को हमारी मदद कर दे तो आपकी मेहरबानी जाओ अगर कोई आपके पास ऐसा बंदा जो हमें कोई अपना घर ले दे सारी ज़िंदगी दुआएँ देंगे हम उसको कोई छोटा सा ही ले ले बड़ी एक दो मरले कहीं हमें ले दे। जी नादरीन असल जड़े ना दा बताओ तुसी मेरी इत बेटी रहंदी है थोड़ा जे फैसला
ਉਹੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੂੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਬਚਾਰੀ ਚਾਵਲ ਪਕਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਸਾਲਨ ਪਕਾ ਕੇ ਅਸਲੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਨੇਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਅੰਮਾ ਜੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ ਇਤਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸਾ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੈਂ ਪਰਚੂਨ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੂੰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਗੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕਾ ਜਬ ਮੈਂ ਸਹੀ ਥਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕਾ ਕਰਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਬਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਨੇ ਛੋੜ ਦਿਆ ਡੀਲਿੰਗ ਮੁਝੇ ਆਤੀ ਹੈ ਇਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿ ਹੱਥ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਮੁਝੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਅਗਰ ਜ਼ਾਤੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕਮਰੇ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਦੁਕਾਨ ਡਾਲ ਲੂੰ ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਡਾਲ ਲੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਕਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੂੰ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਕਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਾ ਹੂੰ ਮੈਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੇਰੇ ਛੋੜ ਦਿਆ ਥਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਤਾ ਹੂੰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹਾਥ ਨਾ ਕਰੂੰ ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਕਰ ਦੇ ਛੋਟਾ ਸਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਛੋਟਾ ਨੀਚੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਡਾਲ ਲੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸਟੋਰ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਕਾ ਸਾਥ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਤਾ ਰਹੇਗਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਬ ਹਸੀਅਤ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਰੀ ਐਸੀ ਦੱਸੇ ਗਾਇਬੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਕੋ ਤਿਆਰ ਹੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਰਾਈ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਜਹਾਂ ਮੈਂ ਯੂਰਨ ਵੀ ਖਾ ਲੂੰ 30-35 ਸਵਾ ਮੁਝੇ ਯੂਰਨ ਵੀ ਆਤਾ ਹੈ ਕੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੈ ਦੇਵੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਪਕਾ ਦੇਣ ਕਿ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਲੱਤਾਂ ਛਿੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਛਿੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਆਖੀ ਇੱਕ ਬਣਵਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਚੱਲ ਸਕਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਮਦ ਨਾਲੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅੱਖ ਬਣਵਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਵਾ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਚਲੋ ਅੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਸਕਾਂਗੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅੰਮਾ ਜੀ ਪਕਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਅੰਮਾ ਜੀ ਪਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੇ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਕਾ ਕੇ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮਾ ਜੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੌ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬੋ ਗੁਜ਼ਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ੋ ਸ਼ਬ ਨੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਸੋ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਹੀਅਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾਤ ਘਰਾਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਦੋ ਕਮਰੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲਕੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਲੈ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਭਜਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਚਲੋ ਉਹ ਧੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪਕਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖਾ ਲੈਣ ਕਰਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਇਧਰ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਕਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਰੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਮੇਂ ਨਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਹਮ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਤੇ ਕਮੇ ਪਕੜਾਏ 7,000 ਰੁਪਇਆ ਮਾਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਭੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਭੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਚਾਏ ਵਗੈਰਾ ਪੀਤੀ ਹੈ ਬਸ 5-6 ਮਰਤਬਾ ਰਸ ਵਗੈਰਾ ਬੇਕਰੀ ਸੇ ਆ ਜਾਤੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ੇ ਖਾਤੀ ਹੈ ਬਾਕਰਹਾਨੀ ਰਸ ਬੰਦ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਖਾ ਲੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇ ਨੰਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਤਾਂ ਤੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਰੋਤਾ ਹਾਂ ਕਦੀ ਬਾਹੀ ਫਿਰ ਚਲ ਇਤਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੱਲ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋ ਰਹਾ ਤਾ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਸਈਅਦ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਹੀਂ ਯਾਰ ਤੋ ਮੈਂ ਜਦ ਪੈਦਲ ਜਾਤਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੋਤਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਹਾਂ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਗਾਇਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਉਧਰ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਝੇ ਇਹ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਇਹ ਇਨਕਾ ਬੜਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੇਂ
उनका लंगर नीचे चलता है, वो भी नहीं बताते, कहना वो अरबपति होते तो शाह जी जितने मर्जी अच्छे तो अच्छा घर लै के दे सकता है, लेकिन उधर बंदा बैठा जब मैं रोने लगा मैं कहा मेरी ये सैयद फैमिली है, कहना आप किसान वाले से मिले वो तो दाद, मैं फिर दाता हजूर ने तुम किसी की खा भी चाहो सरकार साड़ी तो को नहीं मानता, अगर वो आपका दीवान है वो करोड़ों अरबपति है किसान वाला, इतने इतने बड़े बंदे बैठे हुए हैं तो वो कहना वो आपकी मदद कर सकते हैं जी। नाजरीन दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है लोगों का गम देखा तो, मैं अपना गम भूल गया। जिंदगी किस तरह सिसकियां लै रही है, जिहड़ी साड़ियां अखां तो उछले और सानू उनू अपनी अखां दे सामने लियाना होएगा अगर हो सके तो। जिंदगी च अपने वास्ते तो हर कोई जी रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान नू दर्दे दिल वास्ते पैदा किया है और इस वास्ते पैदा किया जिंदगी का जिहड़ा असल मकसद है वह जानने की जरूरत है, वो मकसद खिदमत इंसानियत है, इंसाना की खिदमत और खालक नाल मिलन वास्ते उहदे नाल रजू वास्ते उहदे नाल राबते वास्ते दुआवां की कबूलीयत वास्ते खिदमत इंसानियत जिहड़ी है वह जरूरी है। और ये अल्लाह दे ही इंसान ने, अल्लाह दे बनाए हुए बंदे ने, अगर इन्हां दी कोई हैल्प असी कर सकांगे तो अरशे मौला ते मेरा अल्लाह जरूर खुश होएगा, ये मेरा पुख्ता ईमान है। इहदे नाल ही तुहाडा होस्ट बाबर बेग तुहाडे कोल इजाजत चाहेगा, इंशाल्लाह फिर तुहाडी खिदमत हाज़र होवांगा किसी नवे वीडियो नाल, उन्नी देर तक इजाजत दिओ, चलदे चलदे प्यारे देश दे नाम एक प्यारा जनारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।